आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के एक कार्यालय में। आपको बता दें कि बिहार और देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अपने पार्टी के अपने ही लोगों ने, पार्टी के अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के मामले का आरोप लगाया। आपको हम बता दें, आप देख सकते हैं जदयू कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि जदयू के जो RCP सी रामचंद्र सिंह थे, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। RCP सी के सरकारी और राजनीतिक कैरियर में इतना बड़ा आरोप अब तक नहीं लगा था। जदयू के RCP सी पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जदयू नेतृत्व के पास पहुंचा तो खलबली मच गई। जदयू नेतृत्व ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। RCP सी को भेजे पत्र में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी के दो कार्यकर्ताओं का सबूत के साथ आवेदन मिला है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आपके और आपके परिवार के नाम से 2013 से 2022 तक अकुल अचल संपत्ति का निबंधन कराया गया, जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं प्रतीत होती है। आप लंबे समय से दल के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के साथ अधिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो बार राज्यसभा का सदस्य, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। साथ ही विश्वास एवं भरोसा के साथ आपको जिम्मेवारी दी। उमेश कुशवाहा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि उमेश कुशवाहा ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि आप इस तथ्य से भी अवगत है कि हमारे नेता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद भी नेता पर कभी दाग नहीं लगा और ना ही उन्होंने कोई संपत्ति बनाई। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि परिवार के बिंदुओं पर अपनी स्पष्ट राय दे। तत्काल अवगत कराए प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह ने परिवारवाद की प्रति और सबूतों के साथ 4 अगस्त को RCP सी को पत्र भेजा, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि अब इस वक्त हम मौजूद हैं जदयू कार्यालय में, देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे RCP सिंह रामचंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके, उन पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। और उनका कहना है कि बहुत बड़े आरोप उन पर लगा और उनसे इस आरोप के जवाबदेही भी मांगा गया है। आप देख सकते हैं अभी टाइम लगभग 12 बजने वाला है, 10 बजे से पूरे जदयू कार्यालय में पूरी तरह से हलचल हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जब बाहर आया है तो अभी तक 12 बजने वाले हैं। और पूरे जदयू कार्यालय में आपको हम पूरा तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे जदयू कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। बस ऐसी तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।